तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। देखिए मैडम कहाँ जाना है? भैया हॉस्टल का रास्ता किधर है? मैडम इस साइड। शिट, अरे यार किससे पंगा ले लिया। चलो देखा जाएगा। पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले और अपने फर्ज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले जॉर्जियंस की जिंदगी भले ही अलग अलग बीत रही हो, लेकिन उन्हें KGMU कैंपस के कुछ हसीन पल याद जरूर आते होंगे। उन तमाम जॉर्जियंस को समर्पित हमारी ये फिल्म अधूरी कहानी। फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर ना थर्ड ईयर सीधे फाइनल ईयर लगे रहो। अब सही है। पार्ट वाइज बीत गया तुम लोगों? हाँ, अभी हेड एंड नेक शुरू होने वाला है। अब देखो उसके लिए माता पूछी। पता है बॉस, मैं सहारागंज गई थी मूवी देखने के लिए। अच्छा, लो आ गए तुम्हारे बाप लोग, बाबली और कटप्पा तुम्हारे सीनियर। मैं इनसे डरने वरने वाली नहीं। अरे ये बहुत खतरनाक सीनियर है तुम्हारे। ऐसा कुछ नहीं है, देख लेंगे इनको भी। लड़कियों के भी रैगिंग लेते हैं। हाँ हाँ देख लेंगे। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैनेज करना फिर। ओके आई विल मैनेज।
Hello. I am your senior, Bahubali. And this is my bro, Kattappa. Hi. Hello, sir. Sir, आप आए हो हम कुछ ऑर्डर कर लें? Of course. कसम कटप्पा की. कटप्पा, जाओ पेमेंट करके आओ. ओके बॉस. बिल कितना हुआ? आपका 2000 रुपए. 2000 रुपए? अबे कसके चाप रे. बॉस अब हम जाएं? जाओ. दिल रोमांटिक होकर बोला. कटप्पा जी. बॉस, इनमें से महेशमती साम्राज्य की बहू बनने लायक कौन है? बॉस, वो हरे दुपट्टे वाली. बॉस, थप्पड़ क्यों मारा? तो तुमने उन दोनों का पेमेंट क्यों किया? सॉरी बॉस. देखा सर. भाई मान गए तुमको. अच्छा ये बताओ, कल फ्री हो तुम? कल मेरा ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा. ब्लड डोनेशन कैंप? देखो हम जॉर्जियंस हैं, हमारी एक अलग पहचान होती है. हमें यहाँ पेशेंट केयर के साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा की जा सके. आना चाहो तो आ जाना. ओके सर, कल पक्का आऊंगी मैं. भाई थोड़ा संभाल लेना, मैं अभी आ रहा हूँ ना. ठीक भाई. ओके. बॉस एक बात पूछूं? हाँ पूछो. बॉस आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? है ना. तुम क्या? बॉस आप भी मजाक करते हैं, मेरे से कभी किसी को प्यार हो ही नहीं सकता. अच्छा, मगर मेरी लाइफ में जो भी आता है ना, उसे प्यार हो ही जाता है. सच में? तब बताएं आपकी लाइफ में क्या हुआ था. छोड़ो, कुछ नहीं हुआ. बॉस बताइए ना क्या बात है. गिनती पास करने के बाद हमें लग रहा था कि अब तो सब कुछ मिल गया, अब बस कॉलेज जाने के बाद एक प्यारी सी हम सफर मिल जाए और जिंदगी यूं ही रोमांस और खुशियों के साथ बड़े ही आसानी से चलती रहे. पर सबकी जिंदगी इतनी आसान कहाँ. शुरुआत तो मेरे भी बड़ी फनी हुई थी, एडमिशन के दिन ही वो मेडिकल चेकअप. मेरे कमिश्नर, कितना डरा बे, मैं सर पे कुछ लो. चलो इधर आ. सबसे पहले तुम्हारा ही चेकअप करता हूँ. उतारो कपड़े. सॉरी सर. क्यों, शर्म आ रही है? उतारो नहीं तो मुर्गा बना दूंगा. उतारो. मेडिकल चेकअप के बाद अब बारी थी न्यू सिवी सेंट्रल जेल की, जहां मिले मुझे कुछ नौटंकीबाज दोस्त. अब इन दोस्तों के साथ मुझे एक लंबा वक्त गुजारना था. गजेंद्र सिंह गुज्जर, सीओडो भोकाली, बाहर से खली और अंदर से राजपाल यादव. रे
re na 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 re de na ra 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 da da na ra me na ra na 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 अबे साले एक तो महीने महीने भर नहाते नहीं है और घंटे घंटे भर धुलते रहेंगे। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो टो को करके गोल और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओ गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे डॉक्टर नी को भी डॉक्टर के साथ आना चाहिए। मुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। ये साला पैरासाइट आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। साला तेरी तो अबे यार मेरी शर्ट अबे मेरी पैर अरे साला ये क्या क्या कर रहा है बे पैरासाइट। अरे अबे यार मेरी तुझे क्या हो गया भाई। मेरी घड़ी और एप्रन मिल गया यार। अरे यार ये साला क्या क्या कर रहा है इसको आज बताता हूँ मैं। जो तेरा बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। ब्रिजराज बिहारी होटल पैरासाइट इनको दूसरों की लेने में बड़ा ही मजा आता था, लेकिन कभी कभी दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करना इन्हें भारी भी पड़ जाता था। अबे उठ जा लेट हो रहा है क्लास के लिए। उठ जा भाई। रोल नंबर 69 चल घुस नहीं लगाऊंगा तेरा। प्रभात त्रिवेदी जिनकी प्रभात कभी नहीं होती थी क्योंकि इनको प्रॉक्सी पे पूरा भरोसा रहता था। अबे साला ये तो ऐसा रोल नंबर मिला है दूर दूर तक कोई लड़की ही नहीं है। अरे भैया अमली तो इनकी गीम है। अरे अमली थोड़ी का पूरा गीम है। अरे पांडे जी हमने सुना है अपनी वाली डिसाइड कर ली है यार। अरे हम तो कह रहे हैं बजा डाल। क्या बजा डाल? अरे महाराज सहनाई सहनाई। नहीं यार मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए ना जिसकी आंखें हिरनी जैसी हो, रंग बतख जैसा हो, आवाज कोयल जैसी हो, दिल सेरी जैसा। नहीं हो पाएगा यार। अबे भाई सुन सुनिया थोड़ा ब्लड दे दे यार। तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनी सोनी है। तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनी बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया। तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनी बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया। चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया। ओ मर गए यार दीवाने। प्रवीण हाँ थोड़ा ब्लड चाहिए। हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल। नहीं
नहीं नहीं मुझे प्रिक करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके ओके। देख रहे हैं साली को, मुझको डांट रहा है, उसको बांट रहा है, लसवा रहा है साला। वजह क्या थी पता नहीं, पर पहली बार ऐसा हुआ था कि हेमेटो लैब में निडिल प्रिक होने पर दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। धम धम धड़म धड़या रे सबसे बड़े लड़या रे ओमकारा हे ओमकारा धम धम धड़म धड़या रे सबसे बड़े। बाप लोग हमें फोन पर अपने आशीर्वाद तो दे ही रहे थे, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। एक दिन हॉस्टल में ही साक्षात प्रकट हुए हमारे बाप लोग। नया नया साल और नया नया माल, कौन कहाँ से है बे? जी महोदय, ब्रिज बिहारी, बिहार से महोदय। बिहारी बाबू, ये का भैया, ये मॉडलिंग करने आए हो क्या डॉक्टर बनने? जी चिकित्सा मुझे डॉक्टर। अच्छा, अभी अभी पैदा हुए और तुमको भाषा ज्ञान भी हो गया है साले। इन आगे को देखो, आगे वाले को। ये तू कहाँ से अबे? अबे तू कहाँ से अबे? क्या नाम है अबे तेरा? जी मोदी जी, गजेंद्र सिंह गुज्जर, नोएडा से। नोएडा से? चल बेटा अपने बापों के नाम बता। चल जी महोदय जी, आदरणीय श्रीमान चिकित्सक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह जी और महोदय जी पता कर लेंगे। पता कर लोगे साले? कितना टाइम हो गया तुमको यहाँ आए हैं, अभी पता करोगे? महोदय क्षमा कर दीजिए महोदय। यही का भैया, ए बाड़ी साड़ी बनाई हो हैं? ए अबे ओए ऊपर देख, नाम अलग से पूछना पड़ेगा। ये समीर गुप्ता जी। समीर गुप्ता, ए तू कहाँ से है भाई? जी महोदय कानपुर से। कानपुर से? क्या नाम है तेरा? जी प्रभात त्रिवेदी। ये लौंडा सही है, इसके बाद देखो हाथ। अरे चिकने छमिया, अबे कुछ करते भी हो कि मग गए ही हो? शिक्षक महोदय एक्टिंग कर। एक्टिंग? पैदा हुए नहीं और अंग्रेजी आ गई तुमको, भाषा ज्ञान कौन मांगेगा? जी शिक्षक माफी, शिक्षक महोदय माफी। अच्छा एक्टिंग, मेरे चलो फिर आप चल भाई, थोड़ी देर नाच के दिखा। अरे सिंह साहब, जरा मर्दों वाली आवाज में ऐसे डांटिए तो जरा। अरे सिंह साहब, पैंट गीली कर दिया साला। चूहे साले, चलो चलते। अब बारी थी हमारे पहले पार्ट वाइवा की, जो रैगिंग से भी ज्यादा डरावना था। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नेक्स्ट सर। स्टूडेंट्स आर वेरी जीनियस, बहुत इंटेलिजेंट लड़के आए हैं इस बार। हां। नेक्स्ट। नेक्स्ट व्हाट्स योर नेम? सर टिकोलाल टिक्का। ओके पिक अप दिस। ही सो फेमस।
बस बस सर यही मैं बोलने जा रहा था सर। अच्छा नो टेल मी समथिंग अबाउट ईसोफेगस। सर जो ईसोफेगस होता है ना सर, इसे भोजन इसी से होते हुए सीधे पेट में जाता है। वाह मुझे तो पता ही नहीं था, यू आर सो जीनियस। थैंक यू सर। शट अप। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर रैंक इन सीपीएमटी? सर थर्ड रैंक सर, लेकिन टॉपर से केवल एक नंबर कम था सर। सर काफी इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। पिक अप द क्रेडिट। क्या हुआ? अरे नेक्स्ट। सर सर लीवर अल्कोहल पीने से खराब हो जाता है सर। सर अल्कोहल सर चार तरीके की होती है, विस्की वोडका रम विस्की। सर विस्की की बड़ी बोतल 400 रुपए का आती है और सर अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है सर। वाह बेटा वाह, तुमसे ना हो पाएगा, जाओ। नेक्स्ट। Tell me the name of Carpe Boots. Sunny Leon too pretty. She looks too pretty. Try to catch her. Shut up! मैं mnemonics नहीं नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, ये भी बताना होता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। प्रिया और हम एक अच्छे दोस्त तो बन चुके थे, लेकिन मैं अभी तक उसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। बस उसकी यादों में डूबा रहना मुझे अच्छा लगता था। कैंपस की मस्तियों में वक्त का पता ही नहीं चला और आखिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार हम किसी को भी नहीं था। अरे तुझे पता है कि यार एग्जाम की हमारी डेट आ गई। एग्जाम की डेट्स? अबे अभी तो हम लोग आए थे। डर मत। अभी इतना जल्दी एग्जाम कर से आ गए। तू तो पूरे साल पढ़ा भी है। उसे देख, वो देख वो क्या कर रहा है, सिगरेट में सिगरेट उड़ा रहा है। अबे चल उसको मारते हैं। पागल हो गया तू, सिगरेट क्यों पी रहा है इतनी? अबे एग्जाम यार एग्जाम। अबे सिगरेट मत पी, सिगरेट से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अबे हट भाई हट जा। अबे हट भाई, सिगरेट से नपुंसकता आ जाती है। तो सुना है एग्जाम की डेट आ गई है? अबे इसी एग्जाम की डेट में तो फाड़ के रख दिया है। क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, ये लो गाइटन अनित्रा की अचूक दवा। इसको खोलते ही 2 मिनट में नींद आने की पूरी गारंटी है। इसको फेंक फेंक दो। ये लो शंभुलिंगम, शिव जी का आशीर्वाद। शंभुलिंगम शंभुलिंगम जय हो। पास हो गया क्या?
लेकिन बॉस प्रिया मैम का क्या हुआ? आद्या ने उस सवाल को एक बार फिर से कुरेद दिया जिससे मैं पिछले 2 सालों से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी और प्रिया की वो आखिरी मुलाकात। मैं कुछ कहना चाहता था। अरे सॉरी, ट्रेन लेट होने वाली है तो छुट्टियों के बाद मिलेंगे। और हाँ सॉरी, मैं भूल गई, इनसे मिलो। ही इज माय वुड बी और जल्दी मेरी इनसे शादी होने वाली है। अधूरी रह गई। आद्या, तुम कभी किसी से प्यार नहीं करना, और अगर कर रहा तो अपनी कहानी अधूरी मत छोड़। टीरिनाजोल, मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रस ऑक्साइड, फाइनल ईयर एग्जाम यानी MBBS का वो दौर जब ना ही हमें नींद आती है और ना खाना गले से उतरता है। याद रहता है तो बस लव एंड बेली और हैरिसन। ऑल्टरनेटिव एजेंट्स एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पैरोमाइसिन, फ्यूराजोलिडोन। ऑल्टरनेटिव एजेंट्स एल्बेंडाजोल, भाई सुन, मेरे दिमाग में बहुत मस्त आइडिया आया है। मैं कहता हूँ चंदा लगा के पूरे बैच के लिए एक मोची बुला लेते हैं। मोची? क्यों बे? अबे भाई, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर तो है नहीं, फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर, इसमें सबकी बहुत जोरों से फटने वाली है। ये वो कैंपस है जिसने हमें एक कामयाब इंसान बनाया। कल तक नॉर्मल लगने वाला यही कैंपस जब हम इसे छोड़कर जाने वाले थे हमें उदास कर रहा था। यहाँ से अलविदा कहते वक्त एक कामयाब इंसान बनने का गर्व तो था ही, वहीं इससे बिछड़ जाने का दुख भी था। यहाँ से जुड़ी वो तमाम यादें हमारी आंखों को गीला कर रही थी। हम अपने इस प्यारे कैंपस, अपने शिक्षक, अपने दोस्तों के साथ खट्टी मीठी यादों को कभी न भूल पाएंगे। और ना ही अपनी अधूरी कहानी को। मन जंगल में आधी हल चल, पत्ते बिछड़न लागे, जा रहे हैं आप? मेरी भी कहानी है थोड़ी छोड़कर। कहीं
कटप्पा बॉस ने बाहुबली बॉस को मारा, आखिर क्यों? कटप्पा ने बाहुबली को मारा मगर क्यों?